बड़ी खबर का रुख करते हैं। इंडिया का स्लोगन जुड़ेगा भारत जीतेगा भारत। विपक्षी दलों में सीट शेयरिंग को लेकर जल्द ही फैसला होगा। इंडिया गठबंधन कोऑर्डिनेटर कमेटी बनी है और 13 सदस्यों की ये कोऑर्डिनेटर कमेटी बनाई गई है, जिसमें जो नाम शामिल हुए हैं वो है केसी वेणुगोपाल, शरद पवार, स्टर्लिन, संजय राउत और तेजस्वी यादव, अभिषेक बैनर्जी, राघव चड्ढा, जावेद खान, लालन सिंह और हेमंत सोरेन। ये तमाम वो नाम है जो इस लिस्ट में शामिल है, जिसके तहत 13 सदस्यों की कोऑर्डिनेटर कमेटी बनाई गई है और ये 13 वो नाम है। एक्सक्लूसिव लिस्ट आप देख रहे हैं जहां पर ये 13 नाम शामिल है, जिनमें जावेद खान, लालन सिंह, हेमंत सोरेन, डी राजा, ओमेर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती। इसी महीने होंगी अब सांझा रैलियां, तो रैलियों को लेकर भी यहां पर कैसे सांझा रैली, जो तमाम जो 13 नाम है ये आप लिस्ट में देख रहे हैं, और इसी महीने में कैसे जो है रैलियों को सांझा किया जाएगा विपक्ष की, और इंडिया का स्लोगन जुड़ेगा भारत जीतेगा भारत ये नाम रखा गया है और 13 सदस्यों की कोऑर्डिनेटर टीम बनाई गई है और ये कमेटी हमारी सहयोगी कनिका जुड़ चुकी हैं। कनिका, लिस्ट जारी हो गई है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि इन लिस्ट में तमाम जो दिग्गज है, 13 सदस्यों की कोऑर्डिनेटर कमेटी निकाली गई है। केसी वेणुगोपाल हो गए, शरद पवार हो गए, तमाम विपक्षी दल के जो बड़े नाम है वो इसमें मौजूद है। साथ ही वहीं पर रैलियों की बात की जाए तो इन्होंने कहा है कि इसी महीने रैलियों का जो साझा रैली है वो हम यहाँ पर घोषित कर देंगे। पूरी जानकारी देखिए, बिल्कुल, जो मुंबई में इंडिया अलायंस की महाबैठक हो रही थी, उस बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस कमेटी में 13 सदस्यों को जो है जगह दी गई, जिसमें अगर बात करें तो के सी वेणुगोपाल जी, शरद पवार है, एम के स्टालिन है, संजय राउत है, जेएसपी यादव, अभिषेक बैनर्जी, राघव चड्ढा, जावेद खान, ललन सिंह, हेमंत सोरेन, डी राजा और उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, जो तमाम नेता है वो इस कमेटी में उनको जगह दी गई है। इसके अलावा इंडिया अलायंस की ओर से एक सामूहिक स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिसको रिजोल्यूशन कहा जाता है। उस रिजोल्यूशन में ये भी कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की तमाम पार्टी जो है वो गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और मोदी सरकार को हराएंगी। इसके अलावा एक और बात ये भी सामने आई है कि इसी महीने में तीसरे हफ्ते से जो है सामूहिक रैलियां जो है पूरे देश में की जाएंगी, जिसमें इंडिया अलायंस की तमाम पार्टियां जो है एक ही मंच पे दिखाई देंगी। एक रैली होगी लेकिन तमाम बड़े दिग्गज नेताओं के चेहरे जो है एक ही मंच पे दिखाई देंगे। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जल्द जो है इसका औपचारिक ऐलान, क्योंकि अभी इसका औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है, सूत्रों के हवाले से खबर है 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, फिर कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कहीं ना कहीं ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है इसको लेकर जारी किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक में लोगों द्वारा जो जारी नहीं किया गया, लेकिन स्लोगन जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसका साफ एक ही वाक्य में लिखा गया है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। तो कहीं ना कहीं एक स्लोगन जो है वो भी जारी कर दिया गया है कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो कि पूरा कोऑर्डिनेशन करेगी कहाँ कहाँ किन किन राज्यों में क्या समीकरण रहेगा, क्या मुद्दे रहेंगे, कैसे रैलियां होंगी, उन रैलियों में कौन से बड़े दिग्गज नेता जो है शामिल रहेंगे, कैसे कैसे हर राज्य में, चाहे वो मुद्दे हो, चाहे वो रैलियां हो, चाहे वो प्रोग्राम हो, ये पूरा जिम्मेदारी जो है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी करेगी और उसमें 13 लोगों को जो है जगह दी गई है। कनिका, बिल्कुल, तो ये जो 13 सदस्यों की कोऑर्डिनेटर कमेटी बनाई गई है तो ये तो अपने आप एक खास है, क्योंकि कैसे जो है बड़ा फैसला लिया गया है, लेकिन जहां पर लोगों आज फाइनल होने वाला था, लोगों क्यों डिले है उसके हो गया? देखिए, बिल्कुल, अगर हम लोगों की बात करें तो लोगों को लेकर जो है अभी कोई ऐलान नहीं किया गया है इस बैठक में, और इसके अलावा जो कन्वेनर घोषित करना था उसको लेकर भी ऐलान नहीं किया गया। कल रात को जब डिनर पे सभी पार्टियों के लोग मौजूद थे तो लोगों को लेकर कहीं ना कहीं एक विवाद आया, जिसमें जो छोटी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी है, उन्होंने कहा लोगो जो है ऑलरेडी बन चुका था, लेकिन उस लोगों को लेकर जो है तमाम क्षेत्रीय पार्टियों की ओर से उस लोगों पे जो है ऑब्जेक्शन खड़ा किया गया, इसीलिए उस लोगों को अभी ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि अभी उस लोगों को दोबारा डिजाइन करवाया जाएगा और उसमें समीकरण देखा जाएगा कि हर पार्टी और हर तरह की चीजें उसमें मौजूद हो। इसके अलावा अगर हम बात करें संयोजक कौन होगा, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं फैसला नहीं किया गया, क्योंकि तमाम चेहरे जो है, तमाम नाम जो है वो संयोजक के रूप में आ रहे थे, वो नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, उसके अलावा तमाम लोग जो है अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन किसी एक नाम पर अभी भी सहमति जो है नहीं बन पाई है। लेकिन इसके अलावा अगर देखें तो साफ तौर पर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका गठन कर दिया गया है, स्लोगन जारी कर दिया गया है, ये भी ऐलान कर दिया गया है कि लोकसभा चुनाव में जो है इंडिया अलायंस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगा, लेकिन सीटों का समीकरण क्या होगा इसको लेकर भी कोई फैसला नहीं किया गया।
कहां कौन से राज्य में कौन सी पार्टी कंठपुट पे रहेगी और बाकी पार्टियां ताकपुट पे रहेंगी इसका ऐलान नहीं किया गया, क्योंकि इससे पहले बिल्कुल कनिका पहले तो इंडिया का स्लोगन तो अब जारी हो गया है। तो ऐसे में कनिका सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल के आई है कि जो तेरा नाम है वो अपने आप में बेहद खास है। बहुत शुक्रिया कनिका पूरी जानकारी के लिए।